गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वी लेसन थ्री लिटिल ब्लैक इंगो बुक एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग. नाउ स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन जो है वर्ड मीनिंग. ऑर्फन क्या होता है? अनाथ. अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स हैव डाइड. पॉक टू थर्स्ट मतलब अघात, उकसाना. ट्वाइस टू टाइम्स दुगना. क्रैप डाउन गो डाउन साइलेंट मतलब रेंगना, धीरे धीरे चलना. वेल्डेड ऑफ टू वॉक विथ लिटिल स्टेप भारी कदमों से चलना या धीरे धीरे चलना डर के मारे. रग आउट टू ट्विस्ट टू ड्राई आउट वाटर निचोड़ा गया, जैसे पानी जैसे अपने कपड़े के लिए तो पानी निचोड़ते ना वैसे. कैरोसिन ऑयल दैट कॉज फायर. कैरोसिन क्या होता है? मिट्टी का तेल होता है. चैटिंग मतलब अभी पिक्चर बड़ा सा गड़ा. पीप लुक्ड क्विकली झांकना. मर्सी काइंडनेस दया. बिटरली हैवली जोर से जैसे रोते हैं. ठीक है. गॉब इटन अप खा लिया. नाउ क्वेश्चन नंबर टू, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हाई डिड मिंगो लिव विद नोगी. इन व्हाट वे नोगी ट्रीटेड हर. कहते जो मिंगो थी वो मोटी जो औरत के साथ नोगी वो थी ना उसके साथ क्यों रहती थी और वो नोगी जो उसको कैसे ट्रीट करती थी. फर्स्ट क्वेश्चन का पहले आंसर आएगा मिंगो लिव्ड विद नोगी बिकॉज शी वॉज ऑर्फन वो अनाथ थी और वो उसको कैसे ट्रीट करती थी एज ए मेड नौकरानी जैसा. हु हैड ब्रोकन द चाटी वाई. कहते जो चाटी मतलब गड़ा किसने तोड़ा था? क्रोकोडाइल ने मतलब मगर ने. क्यों तोड़ा था? उसको डराने के लिए. मगर हैड ब्रोकन द चाटी ही हैड सो उसने ऐसा इसलिए करा. वाई पूछा ना सो बिकॉज मगर वॉन्टेड टू थ्रेटन मिंगो उसको धमका रहा था डरा रहा था. वाई कुड मिंगो नॉट सी द मगर इवन आफ्टर बींग वेरी केयरफुल. कहती है जब मिंगो पानी भरने गई थी उसको जो मगर है क्यों दिखाई नहीं दिया था जबकि वो बहुत सावधानी से गई थी. बिकॉज इट वॉज हाइडिंग अंडर द वेरी बैंक शी वॉज स्टैंडिंग ऑन. कहते वो मतलब जहाँ पे वो खड़ी हुई थी ना उसके किनारे के बिल्कुल नीचे करके वो छिपा हुआ था. नाउ हाउ डिड मिंगो एंड मोंगूस एस्केप फ्रॉम द आइलैंड. वॉज मोंगूस अफ्रेड ऑफ मगर. कहते जो मिंगो और जो मोंगूस था वो दोनों आइलैंड पे कैसे पहुँचे और क्या जो मोंगूस था वो मगर से डरता था. मिंगो एंड मोंगूस एस्केप फ्रॉम द आइलैंड विद देयर विल पावर. अपनी जैसे होती ना अपने जो सहन शक्ति होती है कि यहाँ नहीं मैं तो ये करूँगा, ये अपनी विल पावर होती है कि जो हम कर सकते हैं वो विल पावर होती है. करेज मतलब साहस से उन्होंने आइलैंड पे पहुँच गए और जो मोंगूस था वो मगर से नहीं डरता था. डिस्क्राइब लिटिल ब्लैक मिंगो इन योर ओन वर्ड. तो अब क्या करना है जो हमें लिटिल ब्लैक मिंगो के बारे में बताना कि वो कैसी थी. ठीक है. लिटिल ब्लैक मिंगो वाज अ वेरी सिंपल गर्ल. कहते बहुत साधारण लड़की थी. शी ऑलवेज ओबेड द ऑर्डर ऑफ नोगी. वो नोगी की आज्ञा मानती थी वो जो औरत के साथ रहती थी. शी वाज वेरी काइंड. बहुत ही बहुत दयालु और डिसेंट थी मतलब बहुत ही अच्छी थी. नाउ अपनी बुक नाउ टिक द करेक्ट ऑप्शन. लिटिल मिंगो वाज कैसी थी और एन ऑर्फन थी, प्रिंसेस थी कि डिमोन थी? ऑर्फन थी, अनाथ थी. नोगी ट्रीटेड मिंगो लाइक हर. जो नोगी थी वो मिंगो को कैसे मतलब उसके साथ बिहेव करती थी, कैसा व्यवहार करती थी? डॉटर, मेड, प्रिंसेस, मेड नौकरों जैसा है ना. द मगर वॉन्टेड टू. मगर क्या चाहता था? ईट अप द गर्ल, हेल्प द लिटिल गर्ल, पनिश नोगी. मगर क्या करना चाहता था? ईट अप द गर्ल, उसको खाना चाहता था. मिंगो रैन बैक टू द होम बिकॉज. जो मिंगो थी वो भागती हुई घर क्यों आई वापस? बिकॉज शी वॉज अफ्रेड ऑफ नोगी. वो नोगी से डरती थी. शी हैड सीन अ मगर इन द रिवर. क्या उसने एक मगर देखा था? द मगर थ्रेटेंड हर. उसको मतलब मगर ने धमकाया था. ठीक है, ये आया गया ना इसका द मगर थ्रेटेंड हर. मोंगूस वॉज स्टक इन. ठीक है, मोंगू किस में फंस गया था? अ बुश फ्लोइंग इन द रिवर वाटर. द पाइल ऑफ मगर्स एग्स, मिंगोज बिग चैटी मतलब उसके घड़े में, मगर के अंडों में, के वो झाड़ियों जो पानी बहते में झाड़ियों में फंस गया था. तो ये इसका आंसर है. ठीक है, इसको टिक करेंगे. नाउ ट्रू फॉल्स करने हैं. नोगी डिड से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स. ठीक है, ट्रू फॉल्स बताने. नोगी डिड नॉट बीट मिंगो ऑन द लॉस ऑफ चैटी बिकॉज शी वॉज काइंड इनफ डे.
के थे, जो नोगी थी वो उसने मिंगो को नहीं मारा क्योंकि उसने जो चाटी का लॉस हो गया था ना, क्योंकि वो बहुत दयालु थी, नोगी दयालु थी नहीं, वो बहुत गंदी औरत थी। फॉल्स, मिंगो हैड टू फिल द चाटी एट वंस विच शी कुड नॉट लिफ्ट अप ईजली। कहते जो मिंगो ने जो चाटी भरी थी वो द्वारा भरी थी तो वो उसको आसानी से उठा नहीं पाई थी। फॉल्स, उसने आधा ही भरा था और उठा सकती थी वो। द मगर टुक हर टू द आइलैंड वेयर हिज यंग वन वर वेटिंग फॉर द फीस्ट। मगर ने आइलैंड पर उसको ले गया था तो उसके जो बच्चे उसकी वेट कर रहे थे खाने के लिए, नहीं दावत मतलब फीस्ट होता दावत के लिए वेट कर रहे थे, नहीं अभी तो वो अंडे ही थे। मोंगूस हेल्प मिंगो टू क्रॉस द रिवर एंड एस्केप फ्रॉम मगर। कहते जो मोंगूस ने मिंगो की हेल्प करी थी रिवर क्रॉस करने के लिए, क्योंकि और एंड जो मगर उसको वहाँ से वहाँ ले गया था, हाँ मोंगूस ने उसकी हेल्प करी थी, क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। मगर गोट एक्सप्लोडेड इन ए जेफी वैन नोगी इट लिट द मैच इन साइड द बेली। कहते हैं जब मगर वो जल के राख हो गया था ना, बम ब्लोस हो गया था, मतलब मिट्टी के तेल को आग लगी थी, तो मगर मतलब मगर की क्या राख हो गई थी ना, मतलब नोगी भी, नोगी ने जब उसकी माचिस की तिल्ली उसकी बेली में चलाई थी, तो क्या आ जाएगा, हाँ। तो आगे है अपना, थिंक द वर्ड टू डिस्क्राइब द फॉलोइंग करेक्टर टेक हिम फ्रॉम द वर्ड बॉक्स। तो ये कैसी थी अपनी जो छोटी बच्ची थी, क्या आ जाएगा, गुलबल। वो ये क्या थी, क्रूअल थी, ठीक है। और जो मोंगूस था वो कैसा था, जिसपे हम विश्वास कर सकते हैं, ट्रस्ट वर्ड थी। पीछे नीचे हमें ना ये दिया हुआ है ये वाला, ठीक है। और जो मगर था वो कैसा था, श्रूट गंदा जालिम। नाउ मिंगो वाज एन, मिंगो क्या थी, ऑर्फन अनाथ। मिंगो हैड टू लिव विद अ मिंगो मिंगो को एक जो भयानक औरत थी उसके पास रहना पड़ता था, उसको क्या बोलते थे, नोगी। मिंगो टुक द डैश एंड अगेन वेंट टू द डैश। मिंगो ने दोबारा क्या लिया, गड़ा लिया था और वो कहाँ गई थी, रिवर के पास। द डैश टुक मिंगो टू एन आइलैंड। जो कौन उसको आइलैंड पे लेके गया था, मगर लेके गया था। मोंगूस सॉरी डैश वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ मगर, मगर से कौन ही डरता था, मोंगूस, ठीक है। नाउ आगे, थिंक ऑफ राइट वर्ड्स टू ऐड विद द फॉलोइंग नाउंस टू फॉर्म फ्लेक्शन। मतलब इसमें से हमें बताना है कौन सा इसमें पर्टिकुलर नाउन यूज कर सकते हैं, नाउन के साथ कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं। गर्ल कैसी थी, लिटिल थी। आइलैंड क्या था, वास्ट बड़ा। डैश बाजार, बिग बाजार। चूज अप्रोप्रिएट वर्ड टू मेक फ्लेक्शन, इनमें से बताना है कौन सा इन दोनों में से कौन सा आएगा वर्ड इसके साथ। वोकैबुलरी मतलब क्या होती है, रिच। ट्रैफिक कैसी है, हैवी, हैवी ट्रैफिक लिखेंगे ऐसा, ठीक है। एक्सप्रेस आएगा, क्विक आएगा, ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन होती है, क्विक ट्रेन नहीं बोलते हैं। नाउ स्ट्रॉन्ग की पावरफुल इमेज, इमेज कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। स्ट्रॉन्ग की पावरफुल विंड, विंड कैसी होती है, वो भी स्ट्रॉन्ग होती है। नाउ हमने क्या यूज़ करने हैं, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होते हैं, जैसे कि ए ई आई ओ यू, यहाँ पे इनकी साउंड होती है, हम वहाँ क्या लगाते हैं, एन। और द कहाँ लगाते हैं, हम स्पेशल चीज़ के लिए जो ए की है, ठीक है। और ए मतलब कॉमन चीज़ के लिए। व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट इट वाज, कितना सुंदर दृश्य, तो क्या आ जाएगा, अ। डैश बास्केटफुल एप्पल्स इट केप्ट ऑन द विंडो सिल। कहते जो हम पर्टिकुलर स्पेशल चीज़ की बात करते हैं, बास्केट तो बहुत सारी होती हैं, पर एक स्पेशल बास्केट के बारे में बात करें जिसमें एप्पल थे, तो वो क्या आ गया, द आ गया। स्टेप आर बीइंग टेकन टू क्लिप गंगा, गंगेस मतलब गंगा जो नदी होती है वो स्पेशल है, मतलब एक ही है, तो क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। शी मिस्ड हर स्कूल बस, शी रीच डैश बस स्टॉप वेरी लेट। कहते उसने स्कूल बस मिस कर दी थी, तो बस स्टॉप जहाँ पे गई वो स्पेशल हो गया, तो क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। द मूवी हैड क्वाइट डैश इंटरेस्टिंग स्टोरी। आई क्या है, वोवल वर्ड है, तो इसके साथ क्या यूज़ करेंगे, एन। शी वॉज वियरिंग डैश ब्यूटिफुल ब्लू ड्रेस, उसने एक सुंदर ब्लू ड्रेस डाली, तो क्या आ जाएगा, अ। इट वॉज अ गिफ्ट फ्रॉम द ब्रदर, उसके जो गिफ्ट था किसने दिया था, उसके ब्रदर ने दिया था। द टीचर वॉज गिवन डैश अवार्डेड बाय द मिनिस्टर, तो टीचर ने मिनिस्टर के द्वारा उसको क्या दिया गया, अवार्ड दिया गया टीचर को, तो अवार्ड अ।
ओ की साउंड आई है तो क्या लगा देंगे एन। आगे क्या बताने, जेंडर फेमिनिन मतलब किसके लिए आता है, लड़कियों के लिए, औरतों के लिए। कॉमन जो अपनी चीज़ कॉमन होती है, जैसे पेन वगैरह ये चीज़ें कॉमन होगी। मैस्कुलिन लड़कों के लिए मतलब पुरुषों के लिए आ जाता है। न्यूटर क्या आता है, मतलब जैसे कि कोई चीज़ एग्जांपल ले लो, न्यूटर मतलब जो ना तो मैस्कुलिन है और ना ही फेमिनिन है, ना लड़की है ना लड़का है। अब इसमें क्लासिफाई करने, जेंडर करने हैं जिसको उन्होंने हाईलाइट करा है। द डॉक्टर वाज एग्जामिन द पेशेंट, डॉक्टर भी बहुत सारे हैं और पेशेंट बहुत सारे, तो ये दोनों किस में आएंगे, कॉमन की कैटेगरी में आएंगे। द सिमट्रेस वाज बिजी इन स्टिचिंग प्रिंसेस ड्रेस, तो ये सिमट्रेस और प्रिंसेस दोनों क्या है, लड़कियाँ हैं और एक औरत एक लड़की है, तो ये क्या आ जाएगा, फेमिनिन आ जाएगा। द मेयर एंड रूस्टर वर फ्रेंड्स, जो मेयर है क्या आ जाएगा, ये फेमिनिन है, रूस्टर क्या है, मैस्कुलिन है, और फ्रेंड्स कॉमन होते हैं। रिपोर्टर वाज द कैमरामैन ऑन द एक्सीडेंट स्पॉट, ये कैमरामैन भी और जो रिपोर्टर है दोनों कॉमन ही हैं, तो कॉमन आ जाएगा। द ब्राइट लुक चार्मिंग आफ्टर द सेरेमनी, जो दुल्हन है, ब्राइट क्या दुल्हन है, तो लड़की है, तो क्या आ जाएगा, फेमिनिन। थैंक यू।